एक हंसती खेलती अभिनेत्री अचानक से पर्दे से गायब हो जाती हैं और फिर एक दिन अचानक उन्हें उनके ही फ्लैट में मृत पाया जाता है। जरा सोचिए वो मंजर कितना कठिन रहा होगा जब लोगों ने हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली अभिनेत्री को यूं मृत देखा होगा। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। परवीन बाबी वह नाम जो अपने समय का सबसे मशहूर नाम हुआ करता था। परवीन के अपार्टमेंट पर उनके होने ना होने की कोई आहट ना मिलने पर उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर बाहर अखबार और दूध रख दिया जाता था और वह लगातार इकट्ठा होता जा रहा था। दरवाजे पर ना तो कोई ताला था और ना ही अंदर से पिछले 3 दिनों से कोई भी बाहर निकला था। जब परवीन के पड़ोसी धीरे धीरे उनके फ्लैट के बाहर इकट्ठा होने लगे तो उन्हें संदेह हुआ। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो सड़न की बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से पड़ोसी ज्यादा देर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सके। जब स्थिति को काफी ज्यादा संदिग्ध पाया गया तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाजा भी खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर अदाकारा परवीन बाबी की लाश शांत से बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने ही लायक नहीं बची थी। उनका शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी ज्यादा दुर्गंध फैली हुई थी कि कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। आपको बता दें कि परवीन बाबी का वह कमरा जहां पर उनके शरीर को पाया गया था वह पूरी तरह से बेतरतीब था और बिस्तर के पास बस एक व्हीलचेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई उनकी मृत्यु की खबर देने वाला। उसके बाद परवीन बाबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। सोच के यकीन नहीं होता है पर परवीन बाबी कई दिनों से भूखी थी। उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में ये सामने आया था कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ भी नहीं खाया है और भूख की वजह से ही उनकी शरीर के कई अंगों ने काम तक करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि परवीन के शव में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी। उनके पैर की उंगलियाँ पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन का कारण उनकी हाई शुगर थी और पैर सड़ने की इस वजह से परवीन बाबी चल भी नहीं पाती थी और यही कारण था कि उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2005 को कूपर अस्पताल में परवीन बाबी का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उनके शव को क्लेम तक करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे लेकिन फिर भी कोई परवीन की मौत की खबर भी लेने नहीं आया। आखिरकार अंत में फिल्ममेकर महेश भट्ट उनका शव लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जो एक समय में परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के बाद भी उनके लिए अपना परिवार छोड़कर आए थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने ही परवीन बाबी के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया था। मौत से कुछ महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन बन चुकी थी और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इस बात का विरोध किया था और इसीलिए उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया था। परवीन बाबी की जिंदगी की कहानी शुरुआत में कोई परी कथा से कम नहीं थी, लेकिन फिर जब उनकी यह कहानी बिगड़ी तो हर किसी ने उनके जीवन का बुरी तरह से तमाशा बनते देखा। महेश भट्ट, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी, ये सब नाम परवीन बाबी से जोड़े तो गए थे लेकिन अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते परवीन बाबी ने इनसे भी दूरियां बना ली थी। आपको बता दें कि परवीन बाबी सिर्फ अपने अंत समय में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से ही बहुत ज़्यादा दुख झेलती आई थी। 4 अप्रैल 1954 में गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन बाबी मोहम्मद खान के घर में पैदा हुई थी।
ये पश्तून के बाबी ट्राइब से थे जो जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपको बता दें कि परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था और महज 5 साल की उम्र में परवीन बाबी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो दिया था। अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही परवीन काफ़ी बोल्ड हुआ करती थी और उन्होंने कॉलेज के टाइम से ही सिगरेट पीने की आदत डाली थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर बियार इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान लिया था और फिर वहीं से शुरू हुआ था परवीन का हीरोइन बनने का सफ़र। परवीन बाबी के अपने जीवन काल में काफ़ी ज़्यादा लोगों से नाम जोड़े गए थे पर उनका पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। इन दोनों का रिश्ता 4 साल तक चला। उसके बाद परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही लेकिन इनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई थी जो पहले से शादीशुदा थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट उस समय इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे जबकि परवीन बाबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुकी थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।